नमस्कार। एक दिन लेट हूं क्योंकि परसों रात को ही ये खबर आ गई थी कि इस बार ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी चार राउंड तक चलेगी और वो जो एक सिस्टम चलता था आज तक कि राउंड टू के बाद सीट ट्रांसफर हो जाती थी वापस स्टेट को, वो नहीं होगी। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ बहुत क्विकली। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, आप सब काउंसलिंग प्रोसेस अच्छी तरह जानते ही हैं। हर एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से 15% सीटें, यूजी की बात कर रहे हैं, वो निकाली जाती थी एमबीबीएस की काउंसलिंग के लिए और ऑल इंडिया कोटा जिसका हम नाम लेते थे, ताकि एक स्टेट के बच्चे दूसरे स्टेट में जाके भी पढ़ाई कर सके, करेक्ट। और एक सिस्टम था कि सबसे पहले एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट करता है, जो कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी कराता है अदर देन डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। और ऑल इंडिया कोटा राउंड टू के बाद जो सीटें बच जाती थी, जो वापस आ जाती थी, जो लोग सीटें लेते नहीं थे, वो स्टेट को ट्रांसफर हो जाती थी। अब वो ट्रांसफर नहीं होंगी और राउंड टू में अगर सीटें बच जाती हैं तो फिर मॉपअप राउंड होगा, फिर स्ट्रे मॉपअप राउंड होगा। अब इसके मायने क्या है और सबसे बड़ी बात यह है कि राउंड टू में सीटें बचती क्यों थी, क्योंकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2020 की, तो कुछ 1800 सीटें ऐसी थी जो कि स्टेट्स को वापस की गई थी। अब देखिए, जहां ऑल इंडिया कोटा में टोटल कुछ 6000 सीटें निकली थी लास्ट ईयर, उसमें से अगर 1800 वापस दी जा रही है तो 30% लोगों ने सीट नहीं ली और ये सरकारी सीट है, वो भी राउंड टू में। राउंड वन हम सब जानते हैं कि फ्री एग्जिट होता है, तो मैं थोड़ा ये समझाता हूँ कि ये होता कैसे है। जहां तक प्रोसेस की बात है, जो उसमें डिफाइन की गई है, वो बिल्कुल काउंसलिंग की प्रोसेस सेम है, तो उस पर ज्यादा आप सभी मत लगाइए। हम सभी जानते हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, राउंड वन हमेशा फ्री एग्जिट होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने फॉर्म भरा है, आपको सीट मिली, आपने कुछ भी एक्शन नहीं करा तो आपके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा आपके खिलाफ क्या एक्शन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि हम जानते ही हैं कि एमसीसी के अंदर सरकारी के लिए 10,000 रुपए होती है, डीम्ड के लिए 2,00,000 होती है। और फिर हर स्टेट के अपना अपना रूल है, यूपी 2,00,000 लेता है, काफी स्टेट्स 1,00,000 लेते हैं और राउंड टू के बाद लेते हैं, जबकि एमसीसी में डीम्ड के लिए आप शुरू से ही देते हैं। अब इस सिक्योरिटी डिपॉजिट का बहुत बड़ा रोल है इस सारी प्रक्रिया में। तो राउंड वन में चाहे आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ले रहे हैं, चाहे ऑल इंडिया कोटा में ले रहे हैं, चाहे स्टेट्स में ले रहे हैं, मोस्टली आपको सीट एलोकेट हो गई। अब आपके पास तीन रास्ते होते हैं, या तो लेके बैठ जाते हैं, खत्म, आपकी काउंसलिंग खत्म, या आप लेके कहते हैं कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूं अपनी चॉइस लिस्ट में। ऑफकोर्स जब आप एमसीसी काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं जो एमसीसी कॉमन काउंसलिंग कर रहा है, राइट। जब आप इस स्टेट के लिए कर रहे हैं तो उसी स्टेट के अंदर ही आपका अपग्रेडेशन होगा, और डीम्ड के अंदर डीम्ड में अपग्रेडेशन हो सकता है। लेकिन अगर राउंड टू में आपका अपग्रेड नहीं होता तो जो सीट आपके पास थी वही आपके पास रह जाती है। तीसरा ऑप्शन होता है कि आपको सीट मिली, आपने कुछ नहीं करा, इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती। अब आ जाता है राउंड टू। राउंड टू में अगर आपको सीट एलोकेट होती है, आप ले लेते हैं, आप काउंसलिंग के बाहर हो जाते हैं, पूरे इंडिया में रूल सेम है, आपको सीट मिली ही नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आप या तो अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मांग लें या अगले राउंड में भी आप एलिजिबल हैं। मिल जाते और आप नहीं लेते तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होता है, हम सबको मालूम है, ये बात भी क्लियर है, राइट। अब यही एक इशू है, क्योंकि 10,000 एक नॉमिनल अमाउंट है, कि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि 1800 सीटें बस्ती क्यों है। तो आप इमेजिन कीजिए ये कौन लोग होते थे, कि आप 640 नंबर वाला समझिए बच्चा है, उसने एमसीसी का फॉर्म भर दिया, राउंड वन में उसे कुछ सीट एलोकेट हुई, हम जानते हैं फ्री एग्जिट है, कुछ नहीं करा, फिर राउंड टू में भी भर दिया, इतने में उनका स्टेट का राउंड वन स्टार्ट हो गया था, राइट। और स्टेट राउंड वन को बहुत अच्छी सीट मिल गई है, लेकिन ये लोग एमसीसी को इन्फॉर्म ना करके बस राउंड टू में एक गलती कर लेते हैं कि अपनी चॉइस फिलिंग कर देते हैं, जो करने की कोई मना ही नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। अब चॉइस फिलिंग कर दिया आपने, आपको सीट एलोकेट हो गई, जबकि आपको लेनी नहीं है, क्योंकि आप तो राउंड वन में अपनी स्टेट की सीट ले चुके हैं, तभी तो आप ऑल इंडिया कोटा की राउंड टू की सीट छोड़ रहे हैं, जो 1800 सीटें लास्ट ईयर छोड़ी गई थी। अब ये जो सीटें हैं ये एक तरह से बेकार हुई है, राइट, क्योंकि ये सारे बच्चे वो थे जिनको अपने अपने स्टेट से मिल गई, तभी तो ऑल इंडिया कोटा छोड़ा है ना। लेकिन चूंकि इनको सीट मिल गई थी, अब कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था इनके पास कि ये इन्हीं सीट को अगले बच्चों को दे पाए, तो ये सीटें वापस चलेगी। अब खासकर जिस स्टेट्स में सीट्स कम हैं, उन स्टेट्स के बच्चों ने ही ये पिटीशन लगाई कि भाई हमारे पास तो ये सीट हमें मिल सकती थी अगर ये जो राउंड टू वाला बच्चा था या तो चॉइस फिलिंग ना करता,
या फिर ये लेता अगर इसको सीट मिले और स्टेट की सीट खराब ना करता। तो ये सब देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ठीक है भाई, ऑल इंडिया कोटा की सीट भी आखिरी राउंड तक ही वापस जाएगी, मतलब उसमें भी थर्ड राउंड होगा, फोर्थ राउंड होगा। फिर एक कॉम्प्लिकेशन आती कि भाई खासकर स्ट्रेम मॉप अप, क्योंकि वो रिवाज है कि वो तो कॉलेज लेवल पे होता है, अब ऑल इंडिया कोटा में तो सारे कॉलेजों की सीट निकाली गई है, तो क्या स्ट्रेम मॉप अप हर कॉलेज कंडक्ट करेगा? तो इन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि इस केस में स्ट्रेम मॉप अप भी ऑनलाइन ही होगा, ये भी हो गया। सो जस्ट टू टेल यू दिस इज द प्रोसेस इन विच ये जो 1800 सीटें थी जो वापस चली आती थी वो वापस नहीं जाएंगी। लास्ट ईयर का अगर देखेंगे शायद दिल्ली एकमात्र ऐसा बड़ा स्टेट होगा जिसकी कोई भी सीट कभी वापस नहीं जाती है, जिसको भी ऑल कोटा में दिल्ली मिलता है राउंड टू में भी, चाहे वो किसी भी इंडिया कोने में रहते हैं, अक्सर आप वो सीट को छोड़ते नहीं है। बट इसके अलावा चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर में सीट वापस गई थी इसी लॉजिक की वजह से कि मैं दिल्ली का बच्चा हूं, मैंने राजस्थान भर रखा था राउंड टू में, यहां मुझे आईपी का राउंड वन में मिल गया, मैंने आईपी के लोन है, मैंने उसमें कुछ करा ही नहीं, एंड पेरेंट्स आर हैप्पीली लीविंग 10,000 रुपीज। देखिए जिसको सरकारी सीट मिल रही है वो 10,000 रुपए की चिंता भी नहीं करता है, तो ना वो कुछ एक्शन लेता है ना कुछ करता है, वो 10,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट हंस के छोड़ देता है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? देखिए अक्रॉस द टेबल ये जो सीटें हैं ये स्टेट्स को वापस जाती थी, और सभी स्टेट्स के सभी मतलब सभी, तो काफी काउंसलर्स ऐसे कर रहे हैं कि फलाना स्टेट में ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जैसे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो सीटें हैं सोचिए 1800 सीटें ये स्टेट को वापस जाती थी, अब नहीं जाएंगी, तो जो स्टेट्स का इंटरनल कंपटीशन है वो तो बढ़ जाएगा ना। अगर किसी एक स्टेट को 120 सरकारी सीटें वापस मिली थी तो स्टेट का जब राउंड टू हुआ या मॉप अप राउंड हुआ तो उनके पास 100 सीटें एक्स्ट्रा थी जो स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व थी। चूंकि अब उनको वो मौका मिलेगा ही नहीं तो उस स्टेट के अंदर वो कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट? तो नुकसान सभी को होगा, और यहाँ ऑल इंडिया कोटा की सीटें बच जाएंगी, पर ऑल इंडिया कोटा की सीटें तो पूरे हिंदुस्तान के लोग ले सकते हैं, राइट? ले सकते हैं ना, तो ऑफकोर्स ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ तो हाई ही रहती है। तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि फलाना की स्टेट की कम हो जाएगी, फलाना की ज्यादा हो जाएगी। देखिए जिस जिस स्टेट का नुकसान हो रहा है उस स्टेट के नीचे वाले बच्चों को सीट नहीं मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा था कि अब क्या होगा कि राउंड टू में चूंकि ऑल इंडिया कोटा में लोग नहीं लेते थे, अगर हम उसी ट्रेंड को देखें तो जिन्होंने स्टेट की सीट ले ली तो राउंड थ्री निकले ऑल इंडिया कोटा का जिसे मॉपअप कह ले, जिसमें डेफिनेटली 5-10 नंबर कम होंगे, राइट? और ये राउंड थ्री निकलेगा स्टेट्स के राउंड टू खत्म होने के बाद, तो वो स्टेट्स जिनमें कट ऑफ ज्यादा जाती थी राउंड टू खत्म होने के बाद, राइट? सीटों का नुकसान हुआ उनको, पहले 100 सीटें थी अब उनका कट ऑफ और ऊपर चला गया क्योंकि 180-150 सीटों को कम मिली है, तो जो कट ऑफ 620 थी किसी स्टेट की राउंड टू में वो 626 होगी। लेकिन उसका जो 624 नंबर वाला 23 नंबर वाला बच्चा है वो ऑल इंडिया कोटा में आके सीट ले सकता है। तो अगर आप समरी में देखें तो मोटा मोटी देखिए बराबर ही रहेगा, फर्क उनको फायदा होगा बेसिकली जो स्टेट्स के बच्चे थे जिन्हें मिली नहीं पाती थी सीट अपने स्टेट्स में, उनको ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से सीट मिल जाएगी। अब हिमाचल में जहां पहले राउंड टू में कट ऑफ 400-510 पे गिर चुकी है तो उस बच्चे को तो क्या फायदा होगा अगर ऑल इंडिया कोटा में राउंड थ्री में सीटें आ भी जाए। तो ऑल इंडिया कोटा की देखिए कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गिरने वाली है, वो तो कॉम्पिटिटिव रहेगा ही, और खासकर वही दिल्ली के बच्चे जो स्ट्रगल करते थे कि 608 नंबर आए हैं जी, एक भी सरकारी सीट मिल ही नहीं रही है अक्रॉस इंडिया। कई स्टेट्स ऐसे 590 वाले बच्चे कोई सीट मिल ही नहीं रही है अक्रॉस इंडिया, वही राजस्थान यूपी बिहार, तो वो बच्चे जरूर उनको एक चांस मिल जाएगा कि ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से ये सरकारी सीटें अब ले पाएंगे क्योंकि अपने स्टेट के वो नीचे चल रहे थे। तो अब ये मान सकते हैं कि जिन स्टेट्स की कट ऑफ ज्यादा रहती थी और जिन स्टेट्स की कट ऑफ कम रहती थी वो गैप अब वो जो बच्चे थे जो मिस कर जाते थे ज्यादा कट ऑफ वाले स्टेट्स के थे, वो बच्चे अब इस ऑल इंडिया कोटा में उनको फायदा हो सकता है क्योंकि वो ले सकते हैं। सो लेट्स से जिन स्टेट्स की कट ऑफ कम थी मध्य प्रदेश बिहार जहां पहले ही 570 जाती थी, उन्हें नुकसान होगा क्योंकि उनकी कट ऑफ 5 नंबर से बढ़ेगी, उन्हें सीटें कम वापस आई है लेकिन सिर्फ 5 नंबर से बढ़ेगी। तो उनके जो 500 मध्य प्रदेश की कट ऑफ 570 थी अब 578 हो जाएगी, तो वो जो 571 से 575 नंबर के बच्चे थे उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दिल्ली बिहार हो गया जहां कट ऑफ 620 थी और अब 610 में उन्हें ऑल इंडिया कोटा मिल जाएगा तो उनको फायदा हो जाएगा। सो ये जो स्टेट कट ऑफ इज नॉट द राइट वर्ड, लेकिन हाँ जिन भी स्टेट से कट ऑफ ज्यादा होती थी स्टेट कोटा में उन्हें फायदा हो जाएगा कि उनके बच्चों को फिर भी 5 नंबर कम पे एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के राउंड थ्री में जाके उन्हें सीट्स
मिल जाएंगी और वो स्टेट्स जिनकी कट ऑफ पहले ही कम थी उनका सभी का नुकसान होगा, उन सभी में कट ऑफ बढ़ेगी। तो अब तो एक है स्टेट कट ऑफ बढ़ना, आप समझ रहे बात को, और दिल्ली की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये नहीं कि दिल्ली कट ऑफ कम हो जाएगी, बेसिकली दिल्ली के बच्चे को ऑल इंडिया कोटा 3 में कम नंबर पे सीट मिल जाएगी बजाय कि जो उसको दिल्ली के स्टेट में मिल रही थी। अब बात समझ रहे हैं, तो वो स्टेट्स जिनका स्टेट फाइनल कट ऑफ काफी ऊपर रहती थी उन्हें थोड़ी सीट्स मिल जाएंगी ऑल इंडिया कोटा की वजह से थोड़े कम नंबरों पे भी, और जिनका पहले से ही कट ऑफ नीचे थी उनका नुकसान होगा और उनको कुछ नंबरों में सीटें उनकी कट ऑफ ऊपर जाएगी क्योंकि उन नंबर के बच्चों को सीट नहीं मिल पाएगी। सो डेफिनेटली ये होगा। सो ब्रॉडली स्पीकिंग शायद दिल्ली बिहार राजस्थान जहां सबसे हाईएस्ट 3 कट ऑफ स्टेट्स थे थोड़ा उनके बच्चों को फायदा होगा, ऑल इंडिया कोटा की सीट मिलेगी उन्हें, अपने स्टेट की नहीं मिलेगी। और सिमिलरली जो बाकी सारे स्टेट्स हैं जहां कट ऑफ कम जाती थी क्योंकि उनको सीट्स कम वापस मिलेंगी ऑल इंडिया कोटा से तो उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। बाकी वही राउंड वन में क्या होगा राउंड टू में क्या होगा प्रोसेस एब्सोल्युटली सेम जो एक स्टेट काउंसलिंग में होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक मैंने वही एक निष्कर्ष निकाला कि अगर ऐसा हो गया और ये इंडिपेंडेंट चलेंगी अब सारी प्रोसेस, दैट मीन्स कि आपने सीट्स निकाल दी थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पहले से अलग थी डीयू पहले से अलग थी, तो अब ये भी हो सकता है कि ये काउंसलिंग चूंकि 6 जनवरी को शुरू को वो आना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो शायद जो कुछ स्टेट्स हैं वो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस भी पहले स्टार्ट कर दें। डाउट मुझे है क्योंकि जितने भी बाकी स्टेट्स भी हैं, अब देखिए तमिलनाडु का आज खुल गया है लिंक और राजस्थान का खुलने वाला है, बाकी सबका चल ही रहा है, कर्नाटक के सर्वर में बहुत इशू आ रहे हैं, लेकिन अब नाना करके देखिए हम 19 दिसंबर में पहुंचे गए हैं एंड इसी प्रोसेस हम चलेंगे तो दिसंबर एंड भी बहुत दूर नहीं है। तो फिर भी मुझे लगता है कि ये वो उस फ्लो को चेंज नहीं करेंगे और शायद एमसीसी ये बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए फिर से पहले ही चलेगा, लेकिन चूंकि अब ये ट्रांसफर शायद उतना नहीं होना है तो गैप शायद कम हो जाए, और क्योंकि इंडिपेंडेंट सीट्स हैं वो अब इंडिपेंडेंट सीट्स हैं, बेसिकली जो 15-15 सीट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई है, राइट? तो इस सेक्टर को देखा जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मैंने बोला बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हाई कट ऑफ स्टेट्स को थोड़ा सा फायदा, लो कट ऑफ स्टेट्स को थोड़ा सा नुकसान उनके बच्चों को, ये ब्रॉडली मान के चलिए जो फर्क पड़ने वाला है कि जो सीट्स उनको वापस कम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, राइट? तो उसके हिसाब से ये ब्रॉडली जो एक इन्फ्लुएंस होगा वो ये रहेगा। धन्यवाद।